Sushant, can you hear me? Sushant Pangerekar. Yeah, tell me. Sushant ko meri awaaz nahi ja rahi hai kya? Theek hai. Soham Dhope. Soham Dhope bhi gaya hai. Rakesh Pavle. कौन कौन मेरा आवाज सुन सकता है टाइप यस इन द चैट बॉक्स इन कॉल मैसेजेस रहेगा वहां पे टाइप यस करो यस टाइप करो अतुल कृष्णा से यस राजू यस विशाल शर्मा यस आदित्य सागर संजय कुमार अविनाश मनीषा विपिन और कौन कौन है रोहन हजारे सेवियर विपिन चौहान बस इतने स्टूडेंट्स हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं गिरीश है क्या ऑनलाइन सुन रहे हैं तो मेक श्योर व्हेन यू आर जॉइनिंग द क्लास आप somaya.edu के ईमेल आईडी से ही लॉगिन करेंगे ओके दैट इज अ फर्स्ट रिक्वायरमेंट सेकंड आपने सब लोगों ने क्लासरूम ज्वाइन किया है क्या 25 स्टूडेंट्स है क्लासरूम मेक श्योर आपने ये कोर्स के लिए रजिस्टर भी किया है ओके या So those who not have the link, Google Classroom का link नहीं है जिसके पास उनके लिए मैं यहाँ पे link दे रहा हूँ How many of you have joined the Google Classroom and seen that there is a syllabus posted? Syllabus कितने लोगों ने देखा है Hello. Yeah, बोलिए Hello. हाँ सर join तो किया है लेकिन देखा नहीं है अभी तक अच्छा देखा नहीं है okay, ठीक है So, मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस तो ये फर्स्ट लेक्चर है आपका सब लोग का बराबर लेट्स सी कि हम ये सब्जेक्ट में क्या क्या सीखने वाले हैं सो बेसिकली मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेक्शन वन आपको शायद ये स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा अपने डिवाइस पे इज इट विजिबल टू यू ओके सो यहाँ पर एज यू नो दैट हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं तेजस सोमैया पॉलिटेक्निक में और उसका ही एक नतीजा है कि वी आर फोकस्ड ऑन कोर्स आउटकम तो जो भी आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इसका कोर्स आउटकम आपको जानना जरूरी है कोर्स आउटकम का मतलब ये होता है कि आप ये कोर्स पढ़ने के बाद क्या कर सकते हो ओके व्हाट इज द आउटकम ऑफ लर्निंग दिस पर्टिकुलर कोर्स जैसे कि आपको पता है कि आप डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं एंड स्टिल दिस कोर्स इज गिवन टू यू विद द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ओके सो व्हाट एग्जैक्टली द पर्पस ऑफ दिस कोर्स दैट इज समथिंग यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर टू लर्न दिस पर्टिकुलर कोर्स ओके ये जो प्रोसेस है आपका लर्निंग का ये सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं और ये पढ़ने के बाद हमें क्या हासिल करना है तो सबसे पहले इफ यू आर लर्निंग दिस कोर्स आफ्टर लर्निंग यू शुड बी एबल टू रिकॉल बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इलेक्ट्रिसिटी में सेफ्टी का इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है एज यू सी यू कैन एक्सपीरियंस द प्रेशराइज्ड गैस प्रेशराइज्ड वाटर और लिक्विड You can experience the chemicals, hazardous chemicals. But in case of electricity, you cannot see that electricity, whether it is flowing or not. You are not in a position to identify whether the objects are live. You can just experience that electricity and then it will affect you. You will become a victim. And for that purpose, you should be in a position to recall all the basic terminologies and concepts. नो रिकॉल मतलब क्या कि अगर आपको किसी ने बताया आगे जाके आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स रिगार्डिंग द अर्थिंग और रिगार्डिंग द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न तो आपको वो याद आने चाहिए आपको वो समझ में आना चाहिए दैट इज अ फर्स्ट आउटकम वी शुड बी लुकिंग फॉर ऑल्सो वी शुड बी लुकिंग फॉर द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद द सेफ्टी ओके तो ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है बिकॉज Whatever we are learning, there should be an outcome of it. Okay? And ये आपके mind में भी होना चाहिए. Second, आपका जो outcome है CO2 जिसको हम बोलेंगे, वो है identify, describe and apply various concepts and terms of electrical machines. So electrical machines के बिना कोई भी जो process होता है, वो complete नहीं कर सकते. Otherwise, manual efforts का limitations आ जाता है. Okay? So
whenever we are using electrical machines, that time, what are the different concepts associated with it? What is the basic terminology related with the controlling of the electrical machines, manufacturing of electrical machines, and when we are selecting those electrical machines for our regular usage? And for that time, you have to identify कौन से मशीन का वो पार्ट है, किस तरह से वो काम में आता है, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट सेफ्टी फीचर्स है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स है। तो ये सारी चीजें आपको एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आनी चाहिए। तो दिस इज द आउटकम नंबर टू। थर्ड आउटकम जो है, दैट इज आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब वेरियस मेथड टू यूटिलाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इंडस्ट्री में बहुत बार ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ फॉसिल फ्यूल या जो कन्वेंशनल फ्यूल से बनी हुए मशीन से ही काम चलता है। बहुत जगह पे हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। वी वांट टू यूटिलाइज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वहां पर कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, कौन से हम जरिया है हमारे पास जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करेंगे। एंड डेफिनेटली जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो इफिशियंसी है वो किस तरह से ज्यादा रहेगा। तो ये सारी चीजें हम CO थर्ड थ्री मतलब हमारा जो थर्ड कोर्स आउटकम है उसमें देखने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस थर्ड CO, वी हैव अनदर थ्री CO विच आर रिलेटेड और डेडिकेटेड टू द सेकेंड सेक्शन। नाउ फर्स्ट सेक्शन इज डीलिंग विद द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विच इज टॉट बाय मी रोहन होमकर, एंड द सेक्शन टू will be taught by Pachkavde sir, and he will be looking after for the electronics part. Okay, so in electronics, what are the different basic terminologies you should know, that is covered in CO4, that is describe the working characteristics of electronic devices. There are n number of electronic devices and how they work, what is their symbol, how to draw a circuit diagram for them, how exactly they works, what is their characteristics. So these all things will be covered in CO4. CO5 is related with the power supplies which are actually using the electronic components, and they are called as the rectifiers, filters and other power supply equipments. Now the fifth CO is draw circuit diagram and understand the operation of rectifier, filter, regulated power and unregulated power supply, as well as UPS, that is uninterrupted power supply. So these all will be covered under section 2. Okay, I hope this is clear to you up to now. And last one, that is CO6, is a apply and analysis of digital electronics, number system and working of different logic gates. So if you have a data where you can use the different number systems, number which are related with the digital electronics, that all things will be covered in the CO6. तो हमें ये subject क्यों पढ़ना है, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, ये अगर आपको समझ में आया है तो आपका enrollment number chat box में लिखिए। Everyone, type your enrollment number in the chat box. So I consider all of you have understood why we are supposed to learn this subject, and now we are going to study the first chapter. The first chapter name is Electrical Power System. Okay. Now if you heard the word power, and again that power is associated with the electricity. So electrical power, ye word sunne ke baad, ya phir electrical engineering ye sunne ke baad, आपके माइंड में कौन से कीवर्ड्स आते हैं मुझे चैट बॉक्स में बताइए। यस, सर्किट डायग्राम, करंट, पैनल, डूइंग वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी, यस मिस्टर काजी, यस नेक्स्ट क्या बता रहे, यूपीएस, ओके, बैंक्स में या हॉस्पिटल्स में, मेडिकल सिस्टम्स में यूपीएस का काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ग्लैंड केबल फॉर इलेक्ट्रिकल, ओके, स्विच गियर, yes, button, switch, battery, console, yes, tower cable or tower alag se cable alag se, yes, current, voltage, AC, DC, yes, someone may think of mixer, microwave,
different kind of appliances, yeah, substation, Bipin, right? Sandeep is also right, power cables, control cables, yes, motor, yes. How many of you think that your power system वगैरह मतलब electricity का लंबा लंबा bill आता है ना हर महीना, electricity का bill, वो भी एक part है ये system का. Yes, transformer, switches, motor, perfect. Energy meter you can think of. Railway trains, welding machine, yes. Diesel generator, cable tray. Bipin Jadhav, कहाँ पे काम करते हो आप? Where you work? Conduits, good. Consultancy sir, engineering consultancy. Okay, good, good. So basically, जब हम power system की बात कर रहे हैं और इतने सारे different हमारे mind में concepts है, power से related, electricity से related, electrical engineering से related. तो हमें ये सब्जेक्ट में इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है. सो आर यू ऑल एग्री विद दिस, आर यू ऑल इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक दैट इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एंड वी आर गोइंग टू लर्न दिस सब्जेक्ट इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर. सो इफ यू आर विद मी एंड इफ यू एग्री एंड इंटरेस्टेड जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सब्जेक्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन of electrical power. So this is what we are going to see today, learn today, understand today. What exactly the electric power is that you all know. You know about the voltage, you know about the current, you know about there are long transmission lines, some you know the railways are working on it. In the house we are using buttons, we have switches, everything is there. So you all know that basic thing. Now what we are going to learn is the very important why electricity is generated away from the local areas. Any one of you, why don't we have a local generating station at each house or at each building, you can say? So the answer to this question is that when we talk about the electrical power generation, conventional power plants like thermal power plant, hydropower plant, diesel power plant, gas turbine power plant, these all are conventional power plant, and these conventional power plants is having a requirement for the conventional type of fuel. Now this conventional type of fuel is basically demanding the storage area, the area where you can burn these particular fuels and convert the chemical energy from that fuel into the electricity. And if you do it in the piece by piece manner, if you do it in the piece by piece manner, there will be a problem of efficiency. And because you want to do it in a highly effective, highly efficient manner, you have to do it in a large scale. So those power plants which are situated like thermal power plant, hydropower plant, and those power plant like gas turbine power plant, these all are in the range of megawatts, and those plants are located away from the populated places where you have the maximum number of people living and they are affecting the lives because of the particular pollution they cause, because of the material they need to travel like a raw material. And these all disadvantage of having those plants at your doorstep is avoided, and they are having a super efficient plants situated away from the local areas. Local areas are basically the consumers like you and me, which are staying in the cities or the rural area where we are actually consuming our electricity for the domestic purpose as well as for our industrial purpose. So I know that this particular generating power stations are having different names. So how many of you have gone through this, like how many types of power plant you know? Just type in the chat box. कौन से कौन से power plants के नाम आपने सुने हैं? Yes. So we have nuclear power plant, NTPC, thermal power plant, hydro power plant. Ankita says yes. Okay.
भाग्यश्री ऑल्सो सही से हाइड्रो विंड पावर प्लांट यस मल्होत्रा कुंदन कुमार यस विंड पावर प्लांट यस गुड सो बेसिकली मूविंग अहेड विद दिस सो इफ वी कंसिडर दिस पर्टिकुलर पावर प्लांट पावर स्टेशन सुदर्शन अभी एनरोलमेंट नंबर भेज रहे हो अभी ज्वाइन हुए क्या ठीक है एनी वेज सो गुड डीजल फायर्ड पावर प्लांट यस अविनाश परफेक्ट सो ये जितने भी पावर प्लांट हमने देखे वहां पे एक जनरेटर होता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर दैट जनरेटर इज बेसिकली कन्वर्टिंग द रोटेशनल मोमेंट इनटू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल वोल्टेज एंड इट इज बीइंग ड्रिवन बाय अ प्राइम मूवर व्हाट्स द वर्ड प्राइम मूवर एंड बाय विच वे द प्राइम मूवर इज बीइंग ट्राइंग टू मूव द रोटर ऑफ जनरेटर इज डिफाइनिंग or it is considering the name of that power plant. So how many of you have seen the generator in a power plant or in some location? How many of you have seen the generator? Yes, so this is what we can experience this type of generator in the hydro, thermal power plant. Thermal power plant ke generator hote hai. वो इस स्केल में होते हैं इफ यू सी द मैन स्टैंडिंग देयर कैन यू ऑल सी द मैन स्टैंडिंग देयर यस सो दैट मैन एंड सी द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर जनरेटर ओके स्टीम टर्बाइन एंड जनरेटर नाउ इफ यू गो फॉर सम स्मॉलर वर्जन और इफ यू गो सम स्मॉलर वर्जन वेयर द पोर्टेबिलिटी कम्स इनटू द पिक्चर वेयर दिस काइंड ऑफ डीजल जनरेटर आर यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस यू कैन सी दिस एट द telecom sites you also see this near the corporate parks okay corporate parks ki yahan pe aisa ye type ke generators hote hain okay then also for most of the cases for most of the areas jahan pe ye type ke generators bhi aapne dekhe honge jo portable generators hote hain but in all the इतना जो भी हमने अभी देखा है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो है आपका ये जो आपका डायग्राम है ये आपको बताता है कि किस तरह से आपका जो जनरेटर है वो थर्मल पावर प्लांट हो हाइड्रो पावर प्लांट हो इसमें ये काम करता है सो वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज कॉजिंग अ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इन दैट one coil is being placed and the rotation is dependent or we can say the rotation is caused by the prime mover and you can see there is a waveform there if you can see the pointer can you see the pointer in the screen yes or no type in the chat box can you see the pointer the moving pointer okay yes so that is a waveform okay which is generated with the help of this coil which is moving in the generating station now as you know that this waveform can have its own own value like this value can be increased to some extent and what is that extent we are calling it as a voltage generated by this particular coil or voltage generated by this generator so do you have any guesses about the voltage level okay about the voltage level of these generators may have in the large power station jo bhi large power station hai usme voltage level kya ho sakta hai kya aap guess karoge just type your guess in the chat box ki kitne voltage ka aapka generator jo hai wo generate karta hoga ek jawab aaya 430 volt jawab aane do aapki taraf se ek aaya 120 volt same as ट्रेन केबल मतलब ट्वेल्व के वी 25,000 वोल्ट अच्छा ओके बस इतने चार पांच ही जवाब मिल रहे हैं मुझे बाकी लोग गेस नहीं कर रहे हैं या टाइप करने में दिक्कत आ रही है आपको या बस मीटिंग चालू करके किधर भाग गए 33,000 वोल्ट्स
एक जवाब आया और 25k वोल्ट्स. अगर आपका जवाब उधर किसी ने लिखा भी है तो भी चलेगा, बट यू गिव द आंसर. आपको क्या लगता है, व्हाट्स यू थिंक इट. सो बेसिकली आपके 28 kV. अच्छा ओके, अभी सब लोग ये कर रहे हैं, गुड. एक दो बढ़ा रहे ऊपर नीचे, ठीक है. तो वी हैव दिस वैरायटी ऑफ जनरेटर्स लाइक एज शोन इन हियर, 7 types और समथिंग, वेरी स्मॉल टू द बिग वन. तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि डिफरेंट साइज एंड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसके जो रेटिंग्स है वो चेंज होते हैं. सो नाउ चेतन सेज 100 and 200 kVA. ओके, सो kVA इज समथिंग विच वी कॉल इट एज अ रेटिंग और द पावर. तो kVA जो यूनिट है वो आपके पावर का यूनिट है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द वोल्टेज. तो वोल्टेज जो है वो है आपका कितना आपका जो जनरेटर है वो कितने वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर रहा है. ओके, सो मूविंग अहेड विद दिस, यस वी हैव डिफरेंट वैरायटीज ऑफ जनरेटर्स लाइक यू कैन सी हियर. मेबी आई हैव जस्ट रिसेंटली सीन दैट इमेज एंड वांटेड टू शेयर इट विद यू, दैट यू माइट हैव सीन द जनरेटर विद अ साइकिल. है ना, साइकिल पे डायनेमो लगाते थे, याद है आपको? अगर आपने साइकिल यूज किया है बहुत पुराने टाइम में, तो साइकिल पे डायनेमो लगता था और वो उससे एक लाइट जलता था, ऐसा पुराने जमाने में साइकिल हुआ करता था. तो उस पे जो जनरेटर होता है वो जनरेट करता है सिर्फ 12 volts. ओके, सो 12 volts का भी जनरेटर होता है और 20 kV का भी जनरेटर होता है, 25 kV का भी जनरेटर होता है, 220 kV का भी जनरेटर होता है एंड 700 kV का भी जनरेटर होता है. सो द वैरायटी इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12 volts या उससे कम वोल्ट्स का भी कर सकते हैं, 12 to 1 to 00 volts का हम बोल सकते हैं कि 1 to 00 kV तक रेंज है अवेलेबल. सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज दैट व्हाई दिस डिफरेंट वोल्टेज आर देयर. ओके, व्हाई देयर आर डिफरेंट वोल्टेजेस आर देयर एंड व्हाट इज अ use of this particular different voltages. Okay, that is what we are going to see. Before that, in a generator, as you see here, there are some important components which you should know. So if you have a notebook there with you, so write down these points. So in a generator, there are these rotor, stator, voltage regulator and housing, bearings. These are the important points which is, we can say that they are components of the electric generator, okay, or alternator rather, where AC electricity is generated. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर everyone is now gone through with the this generator part. Generator के बारे में सबको समझ में आ गया क्या है, कैसे है. Okay. Now for hydroelectric power station, we have a generator like this, which is not a horizontal axis. It is a vertical axis generator, where the turbines are located below the generator. Okay, so now there are some types of generators are also there. One is called as a generator with the horizontal axis. So one is horizontal axis generator and another is vertical axis generator. Okay, so now moving ahead with this. Now this is something which we are focusing on. Okay, so this diagram is something which is very important for us as a electrical engineer or engineer which is who is working with electricity. ये diagram हमारे लिए काफी important है. So as we see in the generating station, there are different, you know, generators we can see. The range of that generator is from 11 kV to 132 kV. Okay, 11 kV to 132 kV is the output range of the generating station. तो वहां से हमें ये केवी के रेंज में, ये वोल्टेज से हमें जनरेशन अवेलेबल होता है. Now you can see here, there is a, can you just read out the text which is written there? Anyone? क्या लिखा है यहाँ पे 11/132 kV के नीचे क्या लिखा है, इमीडिएट नीचे कोई रीड करेगा? इज इट रीडेबल बाय द वे? यस सर, रीडेबल. बताइए क्या दिया है वहां पे. Voltage is step up. Voltage is step up to what? To 130 kV, 220 kV,
400 KV etc. Okay. So basically ये जो आपको design वाला part दिख रहा है that is a symbol of a transformer. Now the transformer has a very basic function that it is increasing the voltage level or decreasing the voltage level or it is connecting the two electrical circuits without electrical connection. So what exactly it means? For example, if you talk about the transformer and something you have to do right now is some small calculation. Okay. Now why this particular voltage is being stepped up? Voltage is stepped up in this case. Why it is so? Why we have increased the voltage? Okay. So just imagine this generating station is having the capacity of 100 watts. Okay. Just imagine 100 watts. Though it may be ranging from 500 megawatts to 1000 megawatts, but we consider it for a 100 watts. So in your notebook, type 100, not type basically, write 100. Okay. I will type. So 100 watts, or we can say 100 VA volt amperes. Now, if the generating voltage is say 10 volt, okay, 10 volt, then what will be the value of current for that amount of power? Because you know, for the electrical power, the formula is very simple, that is voltage multiplied by current. How many of you know this formula? I hope every one of you, right? So now power ke jagah pe hamare paas hai 100, voltage ke jagah pe hamare paas hai 10, what will be the value of current? Definitely, if we do this small maths, the current will also be 10 ampere, right? Perfect. Now, instead of having the 10 volts, we step up the voltage. हमने voltage को क्या किया? बड़ा किया. और उसको हमने 10 times बड़ा कर दिया. मतलब 100 volts. Okay? 100 volts. Now, to prove the same power which is being transferred, the current is drastically reduced. Okay? Current is reduced. How many times it reduced? Again, 10 times. So, now only 1 ampere of current need to be flown. Okay? इतना समझ में आया आपको? Understood? Concept समझ में आया आपको? Now, take a bigger numbers now. So, now, I will give this question to you. Now, we have 500 megawatt. Okay? 500 megawatt or 500 MVA and our generator is having a 11 kV. Okay? 11 kV as a generation voltage. What will be the value of current? Just calculate and tell me in the chat box. जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसको मैं आज कुछ गिफ्ट दूंगा. ओके, सो बस इतने ही लोगों ने ट्राई किया. सबसे पहले किसने जवाब दिया? मिस्टर राजू. तो राजू ने जवाब तो दिया बट आधा ही दिया, तो आपको तो आधा गिफ्ट देना पड़ेगा. सो 45.45 किलो एम्पियर्स बराबर था. किलो एम्पियर्स अगर है तो या ऐसे कुछ है. लेट्स सी क्या है. अगेन प्राची का भी कुछ आया, संदीप का और ही कुछ आया. तो सबसे पहला जवाब किसका है? करेक्ट जवाब अभिषेक का है. ठीक है, तो अभिषेक को आज कुछ गिफ्ट मिलेगा एट द एंड ऑफ द क्लास. अभिषेक देशमुख, मुझे याद दिलाना. ठीक है, ओके. सो आगे बढ़ते हैं. बाकी लोगों ने ट्राई किया कि नहीं किया? चलो, अभी अभिषेक ने तो गिफ्ट जीत लिया, अभी और एक चांस आपको देना चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं, दिस 11 केवी आप डायग्राम में देख सकते हो. 11 केवी इज बीइंग स्टेप अप टू 132 केवी. बराबर, पहले स्टेज में वहां पे दिख रहा है आपको 11/132 केवी. मतलब 11 केवी को उसने क्या किया है, अभी स्टेप अप किया है वो ट्रांसफार्मर ने. और मैं ऑडिबल टू यू बाय द वे? ओके ओके, अभिषेक से यस, सब लोग को सुनाई दे रहा है. परफेक्ट. तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो 11 केवी का जो वैल्यू था वोल्टेज का, वो अभी बन गया 132 केवी. अभी मुझे बताओ कि करंट कितना रहेगा फॉर 500 मेगावाट ओनली. 500 मेगावाट एंड 132 केवी, ये डिटेल्स है. नाउ टेल मी करंट क्या रहेगा. जल्दबाजी नहीं करना है, प्रॉपरली आंसर ढूंढना है, प्रॉपर यूनिट के साथ लिखना है. बस एक ही जवाब आ रहा है अभी तक. तो मेगावाट के बारे में क्या कंफ्यूजन है हमारे पास? कुछ कंफ्यूजन लग रहा है मुझे. एक मेगावाट मतलब 1 मेगावाट इज इक्वल टू हाउ मच वाट्स
1000 वोल्ट्स नहीं, 1000 वाट्स नहीं, 1000 वोल्ट्स नहीं, 750 वाट्स नहीं, कुछ तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, ठीक है, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है, बेसिक का प्रॉब्लम है, ठीक है, देखते हैं, 1 मेगावाट, 2 वाट, ओके, हाँ, देखो, ये 1 मेगावाट है, तो इतने सारे वाट हो गए, मतलब, एक पे कितने जीरोज है, 6 जीरोज, ओके, 1 मेगावाट मतलब, एक पे 6 जीरो, एक को हमने रिप्लेस किया अगर 500 से, तो ये कितना बनेगा, 5 के ऊपर 80, मतलब एक के जगह पे सिर्फ क्या लिखना है, ठीक है, अंडरस्टूड, सो 500 के ऊपर दिस इज योर वैट, और वैट्स के लिए वोल्टेज क्या है हमारे पास, 132 kV, किलो वोल्ट्स मतलब 1000 वोल्ट्स, मतलब 30 जीरोस, ओके, और अभी मुझे बताओ कि इसका वैल्यू क्या आता है, कितने एम्पियर्स वैल्यू आता है, 1 kV इज 1000 वोल्ट, ओके, तो डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आ रहा है आपको, ओके, सो ये जो है आपका 3.7 जो है, 3.78 जो है, दैट इज किलो एम्पियर्स, ओके, तो 3.78 किलो एम्पियर ये हो गया आपका करंट वैल्यू, ओके, और पहले करंट वैल्यू क्या आया था हमारे अर्लियर केस में, 45 कुछ किलो एम्पियर आया था, राइट, लेट्स सी व्हाट वाज दैट, कैलकुलेट करते हैं, डिवाइडेड बाय, दिस इज व्हाट द आंसर, 45,454, मतलब 45 किलो एम्पियर्स यू कैन से फॉर अर्लियर केस, ओके, 45 किलो एम्पियर्स, एंड इन अर्लियर नेक्स्ट केस व्हाट वी आर हैविंग, समेयरली 3.7 और 4 किलो एम्प, यू कैन से, कैन यू सी द डिफरेंस इन द एम्पियर, नाउ जस्ट इमेजिन विल सर्च फॉर केबल क्रॉस सेक्शन फॉर 45 एम्पियर, ओके, 45 एम्पियर, किलो एम्पियर तो बाद में देखते हैं, अप्रोक्सीमेटली देखते हैं हम लोग कितना लगेगा, ठीक है, 45 एम्पियर के लिए कितना लगेगा, लेट्स सी, तो यहाँ पे देखो वी हैव सम 17.5 एम्पियर के लिए 1.5 mm² का वायर जो है वो सफिशियंट है, राइट, और वही 17 का ऑलमोस्ट डबल हो गया, और यहाँ पे कितना टाइम्स हो रहा है, 10 टाइम्स हो रहा है, ओके, तो सी अगर 150 एम्पियर के लिए कुछ है क्या, हमारे पास 15 सबसे लोएस्ट है ना, सॉरी 17 है ना, तो हम लोग ये भी पकड़ लेते हैं, 15 पकड़ लेते हैं, ठीक है, 15 सबसे लोएस्ट है, और 150 कहाँ पे है, समझ लो यहाँ पे है 171 एम्पियर के लिए 70 mm² का हमें क्या लगेगा, वायर लगेगा, ओके, और 15 के लिए वही वायर कितने का है, 1.5 square mm का, तो जितना करंट का रेटिंग बढ़ेगा उतना आपके वायर का डायमीटर, जो वायर का जो साइज है वो बढ़ेगा, ये कितने लोगों को समझ में आया, मैं क्या आपको पढ़ाना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है आपको, तो बिकॉज वी हैव इंक्रीज्ड द वोल्टेज जनरेशन होने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद हमने ये ट्रांसफॉर्मर को यूज करके इसका वोल्टेज बढ़ाया, इसलिए बढ़ाया क्योंकि हमारा ये जो पावर प्लांट है ना वो किधर, नागपुर चंद्रपुर उधर है, लॉन्ग दूर है, ओके, और वो यहाँ से पावर हमें यहाँ तक कंज्यूमर तक मतलब मुंबई तक लेके आना है, और अगर बीच में रास्ते में ही इतना सारा नुकसान हो गया तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते वो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, लॉसेस में ही खत्म हो जाएगी, ये समझ में आया एवरीवन, सो नाउ टू रिड्यूस दैट पर्टिकुलर लॉसेस, वो लॉसेस को कम करने के लिए हमने इनिशियल स्टेज पे क्या किया, इसका वोल्टेज जो है वो 11 kV से लेके 132 kV तक क्या किया, स्टेप अप किया, कितना समझ में आया एवरीवन, आई होप सो, एंड बिकॉज नाउ वी हैव इंक्रीज द वोल्टेज, करंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, एंड बिकॉज द करंट की वैल्यू कम हो गई, जो हमें इतना बड़ा कंडक्टर लगने वाला था वो अभी थोड़ा सा छोटा कंडक्टर भी हम क्या कर सकते हैं, चंद्रपुर से लेके मुंबई तक ट्रांसमिशन उसका कर सकते हैं, मतलब जो टॉवर्स आपको दिखते हैं ऊपर जिसका वायर अब काफी छोटा रहता है, आप देखेंगे उसको तो बोलेंगे यार इतना छोटा वायर है इसका, ऐसा भी है कि वो ऊपर है, बहुत दूर ऊपर है तो छोटा दिखता है, ऐसा भी है, और ये भी एक रीजन है कि जिससे इसकी वजह से जो सपोर्ट्स होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के, जो सपोर्ट्स होते हैं वो जो ट्रांसमिशन लाइन के सपोर्ट्स होते हैं इसकी भी अपनी खुद की एक कैपेसिटी होती है, ओके, और एंड दैट पर्टिकुलर सपोर्ट्स विल बी लेस कॉस्टली इफ वी आर यूजिंग द हायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, हायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज अगर यूज करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड देन वी रिक्वायर्ड अ लेसर
हेवी स्ट्रक्चर्स, मतलब इनका जो वजन है वो कम रहेगा तो भी चलेगा, उनका जो कैपेसिटी है वो दे आर इन अ कैपेसिटी टू हैंडल दैट मच ऑफ वेट. ओके, इतना समझ में आया आपको? आई होप सो. राइट, तो ये टाइप के जो टॉवर्स रहते हैं इनपे छोटे छोटे वायर्स क्या हो जाएंगे, काफी आसानी से हम जितना डिस्टेंस चाहिए उतना डिस्टेंस हम लेके जा सकते हैं. ओके, इतना क्लियर हुआ. कमिंग बैक टू अवर मेन टॉपिक नाउ, ये 132 केवी पे हमने इसे क्या किया, ट्रांसमिशन के लिए तो यूज किया. मुंबई में भी समझो ये पावर आ गया 132 केवी पे, तो क्या हमारे कस्टमर्स जो है हमारे घर पे जो ये जो अपना लैपटॉप चल रहा है, मोबाइल चार्जर चल रहे है, राउटर चल रहा है वाईफाई का, ये सब क्या 132 केवी पे चलेंगे? व्हाट डू यू थिंक, यस और नो? डेफिनेटली नो. यस, काजी सेज नो, मल्होत्रा आल्सो सेज नो, राजू सेज नो, प्राची, सागर, सब लोग नो कह रहे हैं, बराबर. बट अगर आपको मैं बताऊंगा कि आपका मोबाइल फोन जो है वो भी 230 वोल्ट पे नहीं चलता है, वो मेयरली 5 वोल्ट पे चलता है, और आपका जो चार्जर है इट इज ऑल्सो अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. जो आपके पास चार्जर होता है आपके घर में, आपके पास वो क्या करता है, 230 वोल्ट्स जो डोमेस्टिक यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं इंडिया में, उसे भी वो 5 वोल्ट पे क्या करता है, स्टेप डाउन करता है आपका चार्जर. सो डू यू थिंक द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, एवरी वन ऑफ यू, राइट? सो सिमिलरली ये हमें अभी क्या करना पड़ेगा, टू डिस्ट्रीब्यूट. ट्रांसमिशन तो हो गया, हमने चंद्रपुर से मुंबई तक क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी लाया, बट वो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ मुंबई में कहाँ पे दी जाएगी? क्या वो सिर्फ साउथ बॉम्बे को दी जाएगी, क्या वो सिर्फ घाटकोपर एरिया को दी जाएगी, क्या वो थाने को दी जाएगी या बोरिवली को दी जाएगी? तो वहां पे आता है रोल डिस्ट्रीब्यूशन का. सो रिसीविंग स्टेशन पे यही पावर हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं. स्टेप डाउन मतलब 132 केवी पे वो ट्रांसमिशन लाइन से पावर आता है, एंड देन इट इज स्टेप डाउन टू द वैल्यू ऑफ 33 केवी. 33 केवी तक क्या हो जाता है आपका, ये जो वैल्यू है वो कम होता है. कैसे कम होता है, अगेन बाय यूजिंग अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. ओके, इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द ट्रांसफॉर्मर, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स. यस, सब लोग ने देखा है ट्रांसफॉर्मर. यस, दीज ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स. ओके, बहुत लोगों ने ट्रांसफॉर्मर देखा है. लेट मी शो यू समथिंग. ट्रांसफॉर्मर का इम्पोर्टेंस ये है कि ट्रांसफॉर्मर हर जगह पे इस्तेमाल होता है. ओके, एवरीवेयर, जहां पर भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है ट्रांसफॉर्मर वहां पे लगता ही लगता है. रिसेंटली आई हैव बीन टू अ ट्रेक, और वो ट्रेक पे गया था मैं, यहाँ पे कलसू भाई, नाम सुना है आपने, कलसू भाई, कलसू भाई सुना आपने, महाराष्ट्र में है, वहां पे गया था मैं ऊपर. सो इवन ऑन द कलसू भाई ट्रैक के ऊपर भी मुझे ट्रांसफॉर्मर दिखा. कैन यू सी द फोटो? इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मर जो है वो हर जगह पे हमें काम में आता है बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज. नाउ यू कैन सी दिस ट्रांसफॉर्मर विच इज नियर टू द लोड सेंटर, मतलब यहाँ पे कोई ऊपर लोड है कुछ, जैसे कि वॉटर पंप है या कुछ लाइटिंग के लिए यूज हुआ है. So this is the very last stage of your power system. Okay, अगर हम ये power system की बात करेंगे तो this transformer is like in this category, distribution transformer. Can you see my pointer here? Distribution transformer. Yes. So यहाँ पर ये transformer जो है वो काम में आता है. Now going ahead from this level, receiving station के बाद, तो मुंबई में पावर आ गया. मुंबई से अभी हमें उससे क्या करना है, सब डिस्ट्रिक्ट, मतलब जैसे जैसे रेलवे स्टेशन से वैसे हमें अभी क्या करना है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो उसके बाद जो 33 केवी टू 11 केवी आया तो रीजन बन गया, मतलब ना चंद्रपुर से मुंबई तक पावर आया, फिर मुंबई से वो 3-4 रीजन में डिवाइड हो गया. साउथ बॉम्बे को एक गया 33 केवी का, देन इट गो टू द बोरिवली वेस्टर्न साइड, then one go to Bandra, one go to Thane, one go to Ghatkopar, like that. 33 kV वाला line गया, ठीक है? ये जो बाहर side में आपको lines दिख रहे हैं, वो वहाँ पे power आपका transmit हो गया.
देन एट 33 kV टू 11 kV, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है नाउ डिस्ट्रीब्यूशन में एवरीवेयर यू विल फाइंड द स्टेप डाउन ऑफ वोल्टेज. वोल्टेज क्या हो रहा है धीरे धीरे कम होते जाएगा एंड उसके ब्रांचेस जो है वो बढ़ जाएंगे. सो देयर विल बी मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड लोअर वैल्यू ऑफ वोल्टेज. सो टाइप दिस सेंटेंस इन द चैट बॉक्स, मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड लेसर नंबर ऑफ वोल्टेज. ये कहाँ पे होता है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता है. ओके, मोर ब्रांचेस लेसर नंबर ऑफ वोल्टेज और लोअर नंबर ऑफ वोल्टेज, लोअर वैल्यू ऑफ वोल्टेज. यस, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर. विदाउट ट्रांसफॉर्मर दिस इज नॉट पॉसिबल. परफेक्ट. सो ट्रांसफॉर्मर में वी हैव अ प्राइमरी वाइंडिंग. Primary winding is producing a magnetic field, magnetic flux in the core, laminated core, and at the secondary winding is experiencing that magnetic field, magnetic flux, and EMF is generated, and that EMF is causing a current which will drive the load. Itna clear hua aapko? Okay. Coming back to the power system diagram. In this diagram, now we have came from Thane. Thane से लेके हम लोग अभी आए मुलुंड, भांडू, कांजुरमार्ग इस तरह से. ओके, तो वहां पे 11 केवी का लाइन चला गया, 11 केवी का लाइन चला गया. हाउ मेनी ऑफ यू स्टे इन भांडूप और मुलुंड? कितने लोग रहते हैं भांडूप या मुलुंड में? जस्ट रेज देयर हैंड. रेज हैंड फीचर है ना आपके इसमें गूगल क्लासरूम में. जेवियर का हैंड रेज्ड ही है बहुत टाइम से. ओके, एनीवन हु स्टे नियर थाने, कोई भी, जस्ट रैंडम. हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ ना तो आई डोंट नो कौन कहाँ रहता है. अदरवाइज आई यूज टू रिमेम्बर ये राजू कहाँ रहता है, ये बिपिन कहाँ रहता है. ओके, थाना मुलुंड भांडुप में कोई नहीं रहता है. तो लेट्स सी, मेजोरिटी ऑफ पीपल स्टे नियर घाटकोपर. अच्छा, ये अविनाश ने अभी हाथ उठाया. अविनाश कहाँ रहते हो? अविनाश एंड मोहिता स्टे नियर बाय. ओके, अच्छा, कौन सा, भांडुप या थाना? अभी ये दोनों के यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है तो हम लोग क्या करेंगे, 11 केवी का जो लाइन है वो एक भांडुप की तरफ जाएगा एंड एक आपके अविनाश के यहाँ पे जाएगा. ठीक है, मुलुंड के यहाँ पे जाएगा समझो. और वहां पे वी विल बी हैविंग दिस ट्रांसफॉर्मर, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो 11 केवी टू 415 केवी का जो ट्रांसफॉर्मर है वहां से फिर नियर बाय बिल्डिंग्स को हम क्या करेंगे, सप्लाई प्रोवाइड करेंगे. तो वहां पे फीडर करके एक कंसेप्ट रहता है जहां से वो फीडर से हम अलग अलग बिल्डिंग्स को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं. नाउ कुछ बिल्डिंग्स ऐसे होते हैं जैसे कि कल्पतरु या रुनवाल ग्रीन्स या रुनवाल ऑलिव या जो भी बिल्डिंग्स है बड़े बड़े, वहां पे यू रिक्वायर्ड अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट, हाई अमाउंट ऑफ पावर. तो वहां पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है वो हर एक बिल्डिंग में हर एक विंग के लिए इंस्टॉल किया जाता है एंड दे आर रिसीविंग द पावर एट हायर वोल्टेज. तो वो कस्टमर्स क्या करते हैं, एचटी सप्लाई ऑप्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से एंड देन दे डिवाइड दैट पावर टू देयर वेरियस कंज्यूमर्स. इतना क्लियर हुआ सबको? आई होप सो. दिस लेक्चर इज बीइंग इंटरेस्टिंग टू यू ऑल, सो लेट मी शो योर इंटरेस्ट. ओके, लेट मी फील ऑल्सो कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर system. So this diagram is very much important as per the syllabus is considered. So आपके notebook में मैं आपको 2 minutes देता हूँ. You have to draw this diagram. और अगर कोई होशियार बच्चे हैं मेरे class में तो उन्होंने ये diagram पहले ही अपने notebook में निकाला होगा या फिर इसका screenshot निकाला होगा. कितने लोग हैं ऐसे screenshot निकाल के रखा है या फिर draw करके रखा है? मुझे पता है आपका class काफी अच्छा है. Good. 6-7 students are there. Good. Screenshot निकाला है. Okay. So make sure you draw it also. Screenshot नहीं तो फिर आपके mobile को ही smart बना देगा. आप भी draw करेंगे तो आप भी smart बन जाएंगे. ठीक है? So I will give you 2 minutes. Draw this diagram in your notebook. अभी आप बोलेंगे सर हम तो हमारे घर पे बैठे हैं या office में हैं, हम draw करेंगे नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा? So पता चलेगा क्योंकि अभी आपको कुछ जो attendance वगैरह देना है वो अटेंडेंस में आपको डायग्राम का फोटो भी अपलोड करना है. ठीक है, तो मेक श्योर यू ड्रॉ इट विद इन नेक्स्ट 2 minutes. आई विल टेक योर लीव फॉर नेक्स्ट 2 minutes. ओके, आई विल जॉइन बैक एट आफ्टर 2 minutes. आई होप द डायग्राम इज विजिबल टू एवरीवन. वंस यू डन विद द डायग्राम ड्रॉइंग
type done in the chat box. Done in the chat box. Okay, good. So most of the students have done it. Rohan ka shayad sabse pehle ho gaya. Rohan, Xavier, Prachi, Mahotra, Atul. Good. So moving ahead with this, काफी interesting topic है. Electricity generate हो गया है, consumer तक पहुंच भी गया है. अभी consumer के पास बहुत सारे options है. उसके पास अभी जेब में पैसा भी है, उसने AC भी लगाया है अपने घर पे, microwave भी है, washing machine भी है, एयर फिल्टर भी है, एयर क्लीनर क्या आता है आजकल नया क्या है वो, एयर प्यूरिफायर भी है, वैक्यूम क्लीनर भी है, सब उसने जो जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है. हाँ, इलेक्ट्रिक कार भी ले लिया उसने. तो ऐसे करके वो यूजर का, कंज्यूमर का इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन जो है वो बढ़ गया. नाउ द कंज्यूमर वॉन्ट्स मोर एनर्जी. नाउ यू नो कि हमारा एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमेशा ये रहता है, कोशिश रहता है कि हम इफिशियंसी इंप्रूवमेंट करके ही कोई भी काम करें. मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसका इफिशियंसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को क्या करना रहता है, हमेशा इंप्रूव करना रहता है, बढ़ाना रहता है. ओके, सो इसके लिए सिंगल फेज सप्लाई उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, उसे अभी चाहिए थ्री फेज सप्लाई. और हमारे सिलेबस में भी है थ्री फेज सप्लाई. तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि थ्री फेज सप्लाई होता क्या है, सिंगल फेज सप्लाई और थ्री फेज सप्लाई में क्या डिफरेंस है, एंड जो आपका सिंगल फेज सप्लाई है उसके क्या लिमिटेशंस है, एंड थ्री फेज सप्लाई में कौन से टाइप के कनेक्शंस है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट बिफोर दैट, एज यू सीन इन द इलेक्ट्रिकल जनरेटर, देयर वाज ओनली वन कॉइल, राइट. जो हमने पहले डायग्राम देखा था वो डायग्राम में सिर्फ एक ही कॉइल था, देयर वाज ओनली वन कॉइल. ओके, एंड दैट वन कॉइल has how many terminals? Just type in the chat box. वो जो एक coil था उसके कितने terminal थे? 4 terminal. कहाँ से लाए विपिन? अपने भी दो जोड़ के दिए क्या? एक coil के कितने terminal रहेंगे? 2 terminal रहेंगे. सागर is right. So एक coil बनता कैसे है? एक wire से बनता है. समझ लीजिए कि अगर ये ऐसा एक ये है, ये समझो एक coil है, एक circle है, पकड़ लीजिए आप circle है, तो इसके दो terminal हो गए, like this. Okay? बाकी लोग ने जवाब ही देना बंद कर दिया क्या? ठीक है, कोई नहीं, आपका जवाब सही है तो सही बोलेंगे सर, गलत है तो सर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप गलत कैसे हो सकते हो. ठीक है, सो एक कॉइल है उसके दो टर्मिनल है. नाउ सिमिलरली दोज कॉइल क्या हो रही है, घूम रही है वो अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एंड इट इज प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें मेजर करना है, देन ऑल्सो वी रिक्वायर्ड अ टू टर्मिनल्स, राइट. दो टर्मिनल के बीच में ही हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएंगे, राइट. यस और नो? ओके, सो सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द थ्री फेज पावर सप्लाई, जिसकी वेवफॉर्म कुछ इस तरह से होती है, लाइक यू कैन सी हियर, इस तरह से ये वेवफॉर्म होती है. ओके, फेज वन, फेज टू एंड फेज थ्री. तो दिस फेज इज हैविंग फ्रॉम द सिंगल कॉइल. सिंगल कॉइल से क्या है, दो टर्मिनल बने हैं. तो तीन कॉइल से कितने टर्मिनल बनने चाहिए? लेट मी शेयर दिस टैब विथ यू. Is it visible to you all? 6 होना चाहिए. Raju is perfectly right. कि अगर हमारे पास तीन coil है तो 6 terminal होने चाहिए. But because you can see in this waveform, all the three magnets, or you can say all the three coils are not having their maximum value at the same instance. जो आपको x axis यहाँ पे दिख रहा है, that is for time. यहाँ पे time लिखा है, नीचे देखो right side में. टाइम दिख रहा है आपको? यस. तो एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, और एक ही टाइम पे, एक ही समय पे आपका तीनों फेजेस कभी भी मैक्सिमम नहीं रहता है, या कभी भी तीनों जो है वो हमारा कभी भी आपका क्या है, एक ही टाइम पे नहीं रहता है. इतना क्लियर हो गया एवरीवन? आई होप सो. ये समझ में आया? सो अभी हम क्या कर सकते हैं कि ये तीनों फेजेस का जो मैक्सिमम वाला जो पार्ट है, मतलब इसका जो एक टर्मिनल है, वो हम हमारे सर्किट के लिए इस्तेमाल करेंगे, एंड जो दूसरा टर्मिनल है वो दूसरा टर्मिनल हम क्या करेंगे, तीनों कॉइल्स का एक साथ जोड़ के उसका न्यूट्रल फॉर्म करेंगे. ये समझ में आया आपको? यहाँ पे जो नीचे पॉइंट दिख रहा है आपको, एक ब्लैक कलर का लाइन चालू हो रहा है यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रल. ओके, और ये तीनों कॉइल्स का एक टर्मिनल हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं. इट मींस
जब भी हमारा थ्री फेज सप्लाई में देखेंगे, अगर ब्लू वाला है वो अगर मैक्सिमम में है तो रेड एंड ग्रीन जो है वो हाफ ऑफ द माइनस में रहेगा। देन फेज टू का टॉप देखिए, फेज टू का हाईएस्ट पॉइंट जब है तब फेज वन एंड फेज थ्री का हाफ ऑफ द नेगेटिव में है, एंड जब फेज थ्री का पॉजिटिव में है तो फेज टू एंड फेज वन का हाफ नेगेटिव में है। इसका मतलब जब भी हम कोई एक सेकेंड ऐसा कंसिडर करेंगे तो वहां पर तीनों का अगर हम एडिशन करेंगे तो एडिशन जीरो हो जाएगा। आर यू विथ मी? ये जीरो वाला समझ में आया फंडा? अगर एक ही समय मैं तीनों फेजेस के वैल्यू को अगर ऐड करूंगा तो वो तीनों का जो एडिशन है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कैसे? इधर भी एक जगह पे आप एक स्केल लगाओ, समझो स्केल हमने लगाई जहां पे फेज वन का मैक्सिमम वैल्यू है, समझो 120 मैक्सिमम वैल्यू है, तो 120 पॉजिटिव, और यहाँ पे रेड एंड ग्रीन देखो उसी के नीचे है 120 के हाफ मतलब 60 पे, दोनों माइनस 60 है। तो आपको मैं एक मैथमेटिक्स देता हूँ, 120 उसके बाद है आपका माइनस 60 एंड अगेन यू हैव माइनस 60, ये तीनों का एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा? जीरो। समझ में आया? ओके। सो एट ए टाइम हम कोई भी इंस्टेंट पे हम देखेंगे तो थ्री फेज सप्लाई में उनका जो सम रहेगा वो रहेगा हमेशा जीरो, और यही कंसेप्ट को यूज करके वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर कनेक्शन अरेंजमेंट, जहां पर आपका ये जो तीनों टर्मिनल्स है वो एक साथ जोड़ के उसे हम न्यूट्रल कहते हैं, उसे हम जीरो वोल्टेज पे जो टर्मिनल है वो जीरो का काम करता है यहाँ पे, एंड द L1, L2 एंड L3 विल हैव इट्स पीक वैल्यू, हैव इट्स पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब क्या? जो सबसे टॉप वाला वैल्यू है वो एक के बाद एक 120 डिग्री के डिफरेंस में आपको आपके सर्किट को अवेलेबल हो जाएगा। इतना समझ में आया? ओके। यस और नो? या सिर्फ मैं यस ही समझू आपकी तरफ से? ओके। नहीं समझा है तो इमीडिएटली यू आस्क। ओके। उससे हमारे दो फायदे होंगे, एक तो मुझे समझेगा कि आपको ये पॉइंट नहीं समझा है, और सेकंड आपको वो पॉइंट समझ में आएगा, और थर्ड बेनिफिट जो बोनस है वो है कि वो समझना उसी वक्त जरूरी है, अदरवाइज फिर सब वो लेक्चर खत्म हो गया, फिर आपके माइंड में और दूसरे कुछ थॉट्स आ गए और कुछ आपका शेड्यूल में अलग काम आ गया, वो फिर आप भूल जाएंगे। तो जो भी डाउट्स है वो इमीडिएटली क्लियर करना जरूरी है, इमीडिएटली आपको वो क्या करना है, चैट बॉक्स में पूछना है। ठीक है? ओके, परफेक्ट। सो अभी थ्री फेज सप्लाई है हमारे पास, सो थ्री फेज सप्लाई में चलने वाली मोटर को हमने कनेक्शन दिया है। ओनली थ्री फेज अप्लायंसेस आर नीडेड ऐसा नहीं है, हम लोग ये थ्री फेज में से इंडिविजुअल फेज एंड न्यूट्रल को अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ सिंगल फेज सप्लाई। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया है, एंड ये टाइप का जो कनेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है that connection is called as star connection. तो आपके नोटबुक में लिख लीजिए star connection, S-T-A-R, star connection. ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए, और इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया तो भी चलेगा। ठीक है? डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं आपको अलग सा देता हूँ, थोड़ा इजी वाला देता हूँ। ओके, सो नाउ इफ यू काउंट द नंबर ऑफ वायर्स विच आर अवेलेबल हियर, दे आर रिसेम्बलिंग फोर वायर्स, राइट? The red one, the blue one, the yellow one, and the black one. So these all four wires and the three phase. So as a shortcut, you can say it is a three phase and four wire system. What is the word? Three phase and four wire system. So now I want every one of you to draw this diagram. Let me open this tab for you. Okay. So now draw this diagram. वो जो पीछे बल्ब दिख रहा है that is a watermark, उसको नहीं draw करना है, जो ये red color में दिख रहा है, blue में है, yellow में है, and this N neutral. ठीक है? पीछे का बल्ब नहीं draw करना है. So I give you 1 minute to draw it, and this is considered as three phase four wire system, and this is delta is called as a three phase three wire system. Okay? Three phase three wire, three phase four wire. Okay?
draw this diagram in your notebook. Okay, so most of the students have done with the drawing. Good. So ये काफी important point है हमारे लिए कि three phase supply में three wire and three phase supply में four wire system को समझना. अभी हम अगर बात करेंगे electrons की, तो red phase में जो electron high potential पे गया है, उसे zero potential पे लाने का जो रास्ता है, वो neutral के जरिए तो मिल रहा है. But अगर हम बात करेंगे डेल्टा कनेक्शन की, तो जो रिटर्न पाथ होता है, मतलब जैसे अभी आप किसी बिल्डिंग के अंदर गए और वहां से आप फिफ्थ फ्लोर पे गए, तो कभी ना कभी आपको घर जाना पड़ेगा ना, तो आपको फिफ्थ फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आना पड़ेगा. तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी हाई वोल्टेज पे जाने के बाद उसे वापस जीरो वोल्ट पे आना होता है, और उसका जो रिटर्न पाथ है वो थ्री फेज फोर वायर सिस्टम में हम न्यूट्रल के जरिए वापस आ सकते हैं. बट डेल्टा में ऐसा ही करने के लिए उसे वाई फेस के जरिए आना होता है, मतलब आर फेस से आपका अगर सर्किट चालू हो गया तो वो खत्म होगा वाई फेस पे. ओके, नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम वी हैव टू कंसीडर अगेन द वेवफॉर्म. वेवफॉर्म अगर हम देखेंगे तो फेज वन के लिए फेज टू रिटर्न पाथ बनेगा, फेज टू के लिए फेज थ्री रिटर्न पाथ बनेगा, एंड देन फेज वन थ्री के लिए फेज वन रिटर्न पाथ बनेगा. ओके, सिमिलरली फेज वन के लिए फेज टू के लिए फेज थ्री के लिए फेज वन, ऐसे ये चलता रहेगा जब हम बात करेंगे थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम की या फिर डेल्टा कनेक्शन की. सो नाउ आई हैव सम क्वेश्चन फॉर यू फॉर द होमवर्क. नाउ यू विल बी सरप्राइज कि सर होमवर्क भी देते हैं. यस, तो होमवर्क देना जरूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ ये लेक्चर में जो पढ़ाया गया है या फिर जो सिलेबस में है, उससे अलावा भी आपको कुछ खुद से करना जरूरी है, सो दैट यू विल हैव दैट जील टू लर्न, जील टू अंडरस्टैंड न्यू कंसेप्ट. मराठी में या संस्कृत में जिसको बोलते हैं जिज्ञासा, वो आप में रहनी चाहिए. आपको हर जगह पे ये जहां पर भी दिखेगा उसको आपको समझना चाहिए कि यस, ये हमने सीखा था. तो इसके लिए होमवर्क क्वेश्चन आप लिख लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन. ओके, तो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू. सो होमवर्क क्वेश्चन लिख के हुआ आपका, आपके नोटबुक में लिख लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन. ओके, सो हम इतना सारा जो बात कर रहे हैं अभी तक इस मोमेंट तक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो आपने इसमें बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, राइट? बहुत सारी कुछ नए चीजें आपको आज इंट्रोड्यूस किए होंगे. तो आपको ऐसे क्या क्या याद रहता है आज के लेक्चर में कि हमने ये कुछ सीखा है, वो मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आज हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए, क्या क्या आपको नया समझ में आया. ओके, टेल मी इन द चैट बॉक्स. यस, सो वी हैव सो मच ऑफ आंसर्स. यस, वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स टुडे, बट आई थिंक वी फॉरगॉट समथिंग. हमारा कुछ सीखना बाकी रह गया और उसे हम अभी पूरा करते हैं. हमने इतना जो भी इंफॉर्मेशन देखा, जैसे कि अभी मैं कुछ देखता हूँ कि आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे आज. प्राची ने सीखा सिंगल लाइन डायग्राम, अतुल ने सीखा सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट स्टेप टू स्टेप लोकेशन, अच्छा, टाइप ऑफ कनेक्शन थ्री फेज जनरेटर एप्लीकेशन कंज्यूमर जनरेटर सिंगल फेज थ्री फेज 1 kV मतलब कितना वोल्ट, ये सीखा. गुड, थ्री फेज वायरिंग डायग्राम देखा, प्लांट इंफॉर्मेशन देखा, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम देखा, थ्री फेज वायर देखा, हाउ टू कैलकुलेट करंट देखा, टाइप ऑफ जनरेटर देखा. यस यस, बहुत कुछ सीखा हमने आज. गुड, ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में देखा, करंट कैलकुलेट करने को देखा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्शन, टाइप ऑफ जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, थ्री फेज वायर, बहुत कुछ सीखा है आप लोगों ने. ट्रांसफॉर्मर, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन. ओके गुड, तो इतना सब जो हमने सीखा ना, दैट वॉज रिलेटेड विथ, एनीवन वुड लाइक टू कंप्लीट माय सेंटेंस. जो भी हमने आज सीखा, इट वॉज रिलेटेड विथ वॉट, इलेक्ट्रिसिटी. जनरल आंसर, इलेक्ट्रिकल जनरल आंसर. आई वॉन्ट स्पेसिफिक आंसर. लेट सी कौन दे पाता है आंसर. अच्छा, आपको गिफ्ट भी देना है ना, दो लोग को.
पावर जनरेशन, पावर ट्रांसफार्मर, पावर, नहीं 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 हमने अभी तक जो भी सीखा इट वॉज रिलेटेड विथ, कंप्लीट द सेंटेंस, और जो जो बराबर जवाब देगा उसको एक गिफ्ट मिलेगा। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर वन चैप्टर, अच्छा स्मार्ट आंसर, फर्स्ट चैप्टर में से सीखा, अच्छा नहीं नहीं दैट वाज नॉट अ गुड आंसर। अभी तक किसी का सही जवाब नहीं आया। सो वॉट एवर वी हैव लर्न टूडे, तो भी हमने अभी तक पढ़ा इट वॉज रिलेटेड विद द अल्टरनेटिंग करंट, ओके, इट वॉज रिलेटेड विद द एसी सप्लाई, बट वी हैव नॉट स्टडीड समथिंग अबाउट डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट और डीसी सप्लाई, यू कैन से। तो एसी सप्लाई के बारे में हमने इतना सारा पढ़ा, डीसी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन अवर हैंडहेल्ड डिवाइसेस और वॉच और आपका मोबाइल फोन या बहुत सारी जगह पे वी आर यूजिंग डीसी सप्लाई। सिमिलरली आपका जो ट्रेन या ट्रैक्शन के बारे में भी बीच में कोई बोल रहे थे, तो वो भी है आपका डीसी सप्लाई पे चलने वाला था, अभी बहुत जगह पे उसको एसी में कन्वर्ट किया। तो डीसी सप्लाई का भी इम्पोर्टेंस है काफी ज्यादा, एंड वी हैव टू लुक इन टू द दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि हमें अल्टरनेटिंग करंट के साथ साथ डायरेक्ट करंट के बारे में भी कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए, समझनी चाहिए, सो दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द एसी सप्लाई एंड डिफरेंस बिटवीन द डीसी सप्लाई। ओके ओके, सो एसी सप्लाई एंड डीसी सप्लाई में हम देखते हैं कि क्या है ये कंसेप्ट विद द स्मॉल डायग्राम। ये एक डायग्राम है जिससे हमें इजीली पता चलेगा कि एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। सो अगर हम वेवफॉर्म की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पे हमारा है टाइम और वाई एक्सिस पे है हमारा वोल्टेज या फिर करंट। सो वोल्टेज एंड करंट टाइम के साथ किस तरह से वैरी होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शन है हमारे सप्लाई के। इफ योर सिस्टम इज डिजाइन टू हैंडल अल्टरनेटिंग करंट, इट मीन्स द सिस्टम इज नोइंग, सिस्टम इज एक्सपेक्टिंग द वेरिएशन इन द वोल्टेज एंड द करंट वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर फैशन ऑफ द वेव विच इज इन द ग्रीन कलर। ओके, जो ग्रीन कलर में वेव है उसके जैसे आपका वोल्टेज एंड करंट के वैल्यू में चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम हमें देखने को मिलेगा। इफ वी कॉल फॉर द डायरेक्ट करंट देर इज नो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट, इट विल ऑलवेज सेम एंड देन इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट करंट। नाउ इफ यू आर यूजिंग अ इन्वर्टर और अ नॉट इन्वर्टर रेक्टिफायर एंड अ फिल्टर विथ यू एंड दैट टाइम यू विल बी गेटिंग अ पल्सेटिंग वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ओके, एंड लास्ट वन इज अ वेरिएबल विच इज यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन द वेव फॉर्म ऑफ दैट सप्लाई। सो वी आर मोर फोकस्ड नाउ फॉर द डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। सो डायरेक्ट करंट की अगर हम बात करेंगे तो हम डायरेक्ट करंट के एग्जाम्पल्स हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं लाइक ड्राई सेल्स, बैटरीज विच विल यूज इन द व्हीकल्स, लाइक टू व्हीलर में जो बैटरी होती है, आपके फोर व्हीलर में जो बैटरी होती है वो, आपके टॉर्च में जो बैटरी होती है वो, आपके मोबाइल में जो बैटरी यूज होती है वो, दीज ऑल आर कंज्यूमिंग डायरेक्ट करंट, ऑल आर कंज्यूमिंग डायरेक्ट करंट। सो दिस वॉज द लास्ट पॉइंट विच वी शुड सपोज टू डिस्कस एंड लर्न फ्रॉम दिस। ओके, सो दिस इज वॉट फॉर टूडे एंड डीसी सप्लाई एंड एसी सप्लाई। सो देर इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज क्वेश्चन नंबर टू, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन। In this question also you have to identify, you have to look for is the difference between the AC supply and DC supply. Okay, difference or comparison of AC supply and DC supply. Okay, this is what we have covered, the first section of our chapter number one. ओके, सो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, होमवर्क क्वेश्चन समझ में आया है, क्लासरूम अगर आपने किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये लिंक मैंने आपको दिया है,
तो वहाँ पे गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लीजिए. देर आर 32 स्टूडेंट्स इन द गूगल मीट. गूगल क्लासरूम में शायद 31 है क्या. ओके, मेरा एक प्रेजेंटेशन का था. ओके, सो आपके चैट बॉक्स में अभी एक है अवेलेबल. सो दिस इज द लिंक अगर आपने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है तो. ओके, दोज हु हैव जॉइंड द गूगल क्लासरूम उनको क्लासवर्क सेक्शन में उनको एक ये दिखेगा, अटेंडेंस का पोस्ट दिखेगा और एक सिलेबस का पोस्ट दिखेगा. राइट, कैन यू एबल टू सी दोज पोस्ट? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स. ओके, सो वहां पे अटेंडेंस के पोस्ट पे जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ पे गूगल चैट बॉक्स में दे रहा हूँ. ओके, तो ये जो लिंक है, ये जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ये गूगल फॉर्म का लिंक है. ये गूगल फॉर्म का लिंक आपका अटेंडेंस फिल करने के काम के लिए है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू साइन इन विद द somaya.edu ईमेल आईडी इन योर मोबाइल फोन ब्राउजर, या आप अगर डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो, डेस्कटॉप पे सीख रहे हो तो somaya.edu के लॉग इन में आपको रहना है. देन यू गो टू दिस फॉर्म, आपको ये फॉर्म फिल करना है. When you are filling this form, I will just show that what you are supposed to do. A tab and a Google form. Yes. This form will be active only for Friday evening 6 p.m. to 9 p.m. So, इसके बावजूद जितने लोग present हैं उतने को ही ये भरना है. Name of the student, आपको आपका नाम लिखना है, आपका enrollment number लिखना है. Then आज का date यहाँ पे select करना है. Okay? आज का डेट क्या है? 5th of March 2021. टॉपिक्स कवर्ड क्या क्या किए आज, क्या क्या सर ने पढ़ाया वो लिखना है. अपलोड टुडेज क्लास वर्क. यहाँ पे यू हैव टू ओनली अपलोड द इमेजेस फाइल. ओके, इमेज का फाइल सिर्फ यहाँ पे अपलोड करना है और आपको आज का लेक्चर कैसे लगा उसके बारे में आपको यहाँ पे फीडबैक देना है ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10. 1 मतलब आपको कुछ भी नहीं समझा और 10 मतलब आपको सब कुछ समझ गया. तो आपको इसके बीच में कुछ भी जो आपका जेन्युइन फीडबैक है वो आपको यहाँ पे देना है. एंड देन यू नीड टू सबमिट योर अटेंडेंस. ओके, इतना क्लियर हो गया है सबको? जब भी आपको लिंक दिया जाएगा गूगल मीट में तभी इमीडिएटली आपको सबमिट करना है. ओके, वन ऑर टू मिनट्स यू कैन सबमिट. हेलो, हाँ बोलो सर. मेरा गूगल क्लासरूम ज्वाइन हो रहा है. क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा है? पता नहीं सर, इसका कोड है क्या? गूगल क्लासरूम का कोड चाहिए आपको? हां तो ये बिल्कुल ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूं. ओके, मैं आपको कोड देता हूं 2 मिनट. अगर ज्वाइन कोड करके आप करेंगे तो भी हो सकता है. ये कोड मैं आपको यहां पे चैट बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से कॉपी कर लेना. आई थिंक वो लिंक जो है वो भी अच्छा. आपका ईमेल आईडी बताओ मुझे. सोमैया ईमेल आईडी है तुम्हारा? नहीं, सोमैया का ही ना. हाँ सोमैया का ही, और किसका चलेगा? बोलो सेठ, सोमनाथ क्या है तुम्हारा? हेलो, हाँ बोलो. somaya.edu टाइप करो चैट बॉक्स में. हाँ अभी हुआ क्या? देखो आपको ईमेल आया रहेगा इनविटेशन का. सोमेश्वर भंडार है ना, पहले भी हो गया. ठीक है, इतना सब हो गया सब लोग का. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस I can help you on various topics in your life to grow. So, uske liye I have my YouTube channel. So I will give you a link. It is called as The Success Talk Show with Rohan Homkar. Okay, so this is the link of my YouTube channel. You can just go visit, subscribe, and you can get all the episodes. New jo bhi episodes hai, wo aap sabko wahan pe milenge. Okay, aur aaj ke winners ke liye मेरा एक ऑनलाइन कोर्स भी है, उसका भी मैं एक्सेस देने वाला हूँ. सो हमारे पास कौन है विनर आज? अविनाश. और दूसरे क्वेश्चन का विनर नहीं मिला. ठीक है, सो ये दोनों को वो मिल जाएगा. ठीक है, लेट्स सी. हेलो, तो आज के लिए इतना ही. अटेंडेंस हो गया आपका? सोमेश्वर ज्वाइन हुआ क्या वापस? हाँ बोलो. हेलो सर, मैं तो नहीं ज्वाइन हो पाता. मैसेज मत करो, बताओ मुझे. हाँ एक मिनट.
सोहम डोपे सोहम हाँ सोहम डोपे एट द रेट सोमैया डॉट इन डॉट इन हाँ सोहम डॉट डोपे हाँ सोहम डॉट डोपे लॉग इन नहीं इससे आता ज्वाइन केला मी क्लासरूम सर आता जे हाँ क्लासरूम आता ज्वाइन केला मी तुम्ही कोड पाठवला ना मेसेज वरती मग मी ज्वाइन केला क्लासरूम आता पण अजून लिंक ओपन होत नाही ना ती कोणती लिंक तुम्ही जे अटेंडन्स घेणं सांगितलं लिंक पाठवली ना ती एक ती लिंक ओपन होत नाही माझ्याकडे अच्छा अटेंडन्स ची लिंक ओपन नाही होत हा ती ओपन होत नाही सर सवाने बोलतोय ते लिंक ने गुगल क्लासरूम ओपन होत नाही सर माझा मी तुम्हाला माझा मेल आयडी पण पाठवलाय सोमयाचा तुळशीराम ना येस सर तुळशीराम सवाने आपको जॉइन किया है ना क्लासरूम में देखो आपको ईमेल आएगा चेक करो हो गया जिनका जिनका अटेंडेंस फील करके हो गया गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है ठीक है दे कैन लीव द मीटिंग अपन सर अच्छा आपको व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए विपिन चौहान जी अच्छा वो जो ग्रुप है उसमें तो बहुत सारे मेंबर दिखे मुझे यहाँ पे सिर्फ 130 लोग ही है सिर्फ एक ही फाइल अटैच करना है ज्यादा नहीं अटैच करना है जो क्या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है आपको हेलो सर हाँ बोलो सर माझा फोन ओपनच होत नाही सध्या मध्ये ते फॉर्म दाखवत नाही मला कुछ तो गडबड आहे ईमेल आयडी का सोहम डोपे ना हाँ सर ये पेज कैसे खुलेगा सर कौन सा पेज खोलने ये EPTD पे अटेंडेंस फ्राइडे वाला अच्छा ये लिंक से खुलना है लिंक दिया ना अभी अभी ज्वाइन हुए क्या तुम हाँ सर अभी ज्वाइन हुआ हाँ सर अभी ज्वाइन हुआ लेट देखा सर अभी निकला ना ऑफिस से अच्छा तो आपको पता नहीं कि सुबह शाम को 6 बजे लेक्चर रहता है सर भूल गया था सर सॉरी भूल गया मैं भी मार्क्स देने को भूल जाऊं क्या सॉरी सर हाँ आज का तुम्हारा अटेंडेंस नहीं लगेगा अगले फ्राइडे को टाइम पे आना है ठीक है सर क्या नाम है तुम्हारा इंजम हाँ सर जी सर सॉरी सर लक्ष्मण जी ने आ गया टाइम पे आ गया कौन कौन है अभी अभी ज्वाइन हुए ऐसे कौन कौन है हीरो लेक्चर खत्म होने को आया और अभी ज्वाइन हो रहे हैं कौन कौन है ऐसे और नहीं सर नेटवर्क प्रॉब्लम था कब से था मैं लेक्चर हाँ मैं तुमको देखा पता है मेरे को विशाल क्या नाम है विशाल गुप्ता ही नाम है ना ये विशाल शर्मा है क्या नाम है हाँ विशाल शर्मा शर्मा है अच्छा ठीक है चलो फिर आपका अगर गूगल क्लासरूम में आप ज्वाइन है आपने अटेंडेंस भर दिया है तो आप लीव कर सकते है व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए आपको ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे आपको भी और गूगल क्लासरूम में मैं एक लिंक पोस्ट करूंगा तो वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं ठीक है ओनली स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर दिस कोर्स हेलो सर हेलो हाँ बोलो सर कौन से ऑथर के लिए हमें बुक यूज करने पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक फर्स्ट सेक्शन जो है वो मैं पढ़ाता हूँ इलेक्ट्रिकल वाला और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का वो आपके पाचकौड़े सर पढ़ेंगे ठीक है हेलो सर इलेक्ट्रिकल के लिए तो कोई अलग बुक होगी ना सर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग अलग टेक्स्ट बुक होगी अलग रहेगा तो ऑथर कौन से होंगे सर मतलब जो बीएल थरेजा या फिर आप जो वीके मेहता का बुक होता है ना बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यस सर वो यूज कर सकते हो ओके सर थैंक यू सर ऑनलाइन कॉपी भी मिल सकता है अगर आप ढूंढेंगे इंटरनेट तो आपको इसका ई बुक मिलेगा तो आपको ऐसा मैं तो रिकमेंड करूंगा कि यू परचेस अ बुक हार्ड कॉपी तो आपको अच्छा रहेगा ठीक है ओके सर और इसके अलावा फिर आपके YouTube चैनल में भी सर सब स्टेप बाय स्टेप होगा ना सर क्या क्या सर आपने YouTube चैनल का दिया है सर उसमें भी सब हर चैप्टर का उसमें होगा ना सर मतलब आपने वीडियो बनाया होगा नहीं ये अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन जो आपके वैल्यूज होते हैं
आपको आपकी लाइफ में ग्रो करने के लिए ये चैनल है। तो अलग अलग सेलिब्रिटीज के आपको वीडियो दिखेंगे वहाँ पे, उनके कुछ इंटरव्यूज है बट यस, अगर आपको इंट्रोडक्शन देखना है उसका तो मैं आपको दे सकता हूँ कि एक चैनल क्यों है और क्या रीजन है उसके पीछे एंड हाउ इट विल हेल्प कंपनी म्यूट कर हेलो हाँ बोलो हाँ सर ते ओपन होत नाही लिंक अटेंडेंस ते काय होते माझ्या ईमेल आयडी ला काय प्रॉब्लेम काय हाँ सोम डोपे बोलतोय सर मी हाँ हाँ तुझा काहीतरी ईमेल आयडी चा प्रॉब्लेम आहे तुला ते करून घ्यायला लागेल सर काय करावं लागेल तरी तुझ्याकडे कोलते मॅडमचा ईमेल आयडी असेल ना नाही नाही सर कोणते उज्ज्वला कोलते म्हणून असतील किंवा तुमचं काय टेक्निकल सपोर्ट कोण बघतं जय वगैरे असेल त्याला तुम्हाला विचारायला लागेल ठीक आहे त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर कोणाकडे भेटेल सर नाही कॉन्टॅक्ट नंबर नाही मिळणार अच्छा तुमच्या बॅचचा सीआर कोण आहे आता तुम्ही सांगा सर कोण आहे सीआर का तुमचा बनला नाही का सीआर कोण अजून अजून तर नाही हो सर अभी आज देखो कमेंट्स किसके ज्यादा है उसको सीआर बना देते हैं हाँ ओके सर मग ते मला सॉल्व करता येईल ना माझा ईमेल आयडीचा प्रॉब्लेम पण हां माझा ईमेल आयडीचा प्रॉब्लेम पण सॉल्व करता येईल ना म्हणजे बनवून टाका सीआर कोणाला तरी हां यस चलो किसको बनाते किसके कमेंट ज्यादा है देखो चलो आप ही ढूंढो सर श्रीधर खुद को सीआर बना दो श्रीधर कौन है श्रीधर हां सर अटेंड किया क्या उसने अटेंड केले त्यांनी सर कुठे आहे बंदो आहे सर खाली बघा श्रीधर खुद श्रीधर पोपटराव खोत अच्छा इसको कितने लोग वोट करते हैं रेज योर हैंड सर नको कार्य नको श्रीधर नको सर बर ठीक है चल मग शोध कोणी जास्त कमेंट केले आज सुदर्शन चिखले चला अरे तुमची इंट्रोडक्शन पण काय झाली जरा प्रत्येकाने इंट्रोड्यूस करा जरा स्वतःला पटापट सर सुदर्शन चिखले पण चांगला आहे शेअर बनण्यासाठी चांगला आहे का हो सर ऑनलाइन असतो तो कुणी जर मेसेज जरी टाकला ना त्याला तो लगेच रिप्लाय देईल अच्छा म्हणजे आपले प्रॉब्लेम लवकरात लवकर सॉल्व्ह होतील ओके ओके म्हणून लेफ्ट झाला लगेच तो आता अच्छा ठीक आहे चालेल इंट्रोड्यूस तर करा मला समजू दे कोण कोण आहे इंट्रोडक्शन राहिलं ना आपलं चलो ठीक आहे आज के लिए इतना ही बहुत ज्यादा नहीं ये करना चाहिए अपने को वेट घर के भी बहुत काम रहेंगे आपको घर पहुंचना रहेगा बहुत सारे लोगों को हेलो ट्रैवलिंग में रहेंगे ठीक है हेलो तो आज हम जल्दी रुकते हैं और आपको अटेंडेंस भी हो गया आपका तो यू कैन लीव द मीटिंग ठीक है हेलो सर लिंक तो एक दफा पाठवना पड़ेगा अटेंडेंस ची ट्राई करतो ठीक है तेरा नाम मैंने लिख लिया है सोम डोपे हाँ चलो बाकी सब लोग लीव करो चलो बाय ओके सर थैंक यू सर माझा पण प्रेझेंटेज कसा करायचा हॅलो हाँ तुझं काय झालं आता प्रेझेंटेज कसे करायचे फॉर्म भरायचा हाँ तुम्ही ती लिंक पाठवली तिथून जायचे का तिथून मी मेल मध्ये जातोय सर हॅलो हॅलो हेडबॉक्स मध्ये बघ चल बाय हॅलो 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 सर हाँ बोलो सर घरी गेल्यानंतर प्रेझेंटी लावली चालेल का सर मी ट्रॅव्हलिंग मध्ये सर तुझं एवढं गुगल मीट चाललंय व्यवस्थित तुला टाइप करायला काय प्रॉब्लेम आहे बाईक वरती सर म्हणून विचारलं बाईक वर तर अटेंडन्स नाही करायचं तुला पहिले डिटेन करेल मी बाईक वर असतो लेक्चर वगैरे अटेंड नाही करायचे नाही सर मी मागे बसलो होतो सर टाइप करतो सर हा आता कसं हा सर आलो सर हा बोल कसं करायचं सर सांगा नाही कळत काय कसं करायचं अटेंडन्स फॉर्म कसा भरायचा लिंक दिले ना त्याच्यावर फॉर्म फिल करायचं झालं सिम्पल सर लिंक दिले ना त्या लिंक मध्ये मी याच्यावरती जातो मेल आयडी मध्ये जातो मेल वरती हा तर मग लॉग इन कर ना somaya.edu नी ओके तुम्ही परत एक वेळेस लिंक पाठवू शकता का पाठवली मी लिंक दुसऱ्यांदा पाठवली चलो अभिषेक को अगली बार हम लोग अवॉर्ड देंगे कुछ तो चलो बाय बाय सोम अब ड्रॉइंग भेजना जल्दी